क्लास हेड मैं की क्लास है। सबसे पहले अपना रजिस्टर नंबर देखा है, तो रजिस्टर नंबर के अंदर कल अपन ने एडिशन किया था और नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में अपन ने जाना करता है कि नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज आते हैं, और उसके बारे में अपन उसके बाद अपन ने बेसिक ऑपरेशन के तौर पर अपन ने एडिशन के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसके अंदर अपन ने एक लाइक फ्रैक्शन के हिसाब से जो भी रजिस्टर नंबर दे रखे थे उनके एडिशन किस तरीके से करते हैं, अनलाइक के लिए किस तरीके से करते हैं और नंबर लाइन के ऊपर एडिशन किस तरीके से करते हैं उनके बारे में अपन ने कल डिस्कशन किया था। आज अपन करेंगे सबट्रैक्शन के बारे में, कितने टाइप्स सबट्रैक्शन आती है, नंबर लाइन के ऊपर सबट्रैक्शन किस तरीके से की जाती है उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो जो सबट्रैक्शन होता है उसके लिए क्या है, a अपॉन b और माइनस c अपॉन d, मतलब a अपॉन b में से c अपॉन d की जब वैल्यू निकाली जाती है तो ही अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन f की वैल्यू आएगी सबट्रैक्शन के अंदर। अब किस तरीके से होता है एग्जांपल अगर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अपन सबसे पहले देखें तो जैसे देखा है इजीली तरीके से 10 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 7, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में देखे हैं, नीचे 7 और 7 दोनों देखे हैं तो नीचे साइड में क्या आएगा 7 ही है ना। उसके बाद अपन देखें तो 7 ऊपर से 10 देखे थे 4 देखे तो 10 बीच में माइनस साइड में माइनस और 4 का 4 लिख दिया अपन ने, 10 में से 4 को जो माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 6 अपॉन 7, ये चीज आपको ध्यान देनी है इसके अंदर। जैसे अगर अपन देखें तो 10 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 7 दे रखा है तो 7 और 7 दोनों दे रखा है तो नीचे साइड कितना आएगा 7 आएगा, और उसके बाद अपन ऊपर देखें तो 10 माइनस 4 देखा तो 10 माइनस 4 लिख दिया है इसी, और 10 में से इधर प्लस का देखा है इधर माइनस का देखा है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 10 में से 4 को जब माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा और नीचे कितना है 7 है तो 7 का 7 ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सबट्रैक्शन होती है, तो जो इस तरीके की भी आ सकती है आपके। और दूसरा जैसे लाइन रखा आपको इसके अंदर आपको सेकेंड नंबर जो है वो है आपके पास में माइनस का 4 अपॉन 5 माइनस और माइनस का 2 अपॉन 5, जैसे ये दो सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं इसके अंदर आपको सेकेंड वाले के अंदर किस तरीके से करना है वो चीज आपको ध्यान देनी है कि जैसे इसके अंदर भी 5 है इसके अंदर भी 5 है तो नीचे साइड कितना है 5 ही आएगा। अब अगर फोन ऊपर की साइड देखें तो कितना तरीके से सबसे पहले माइनस का 4 देखा है तो माइनस का 4 है इसे तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, फिर बीच में क्या साइड रखा है माइनस का साइड रखा है माइनस लिख दिया, आगे की साइड कितना रखा है माइनस का 2 रखा तो माइनस का 2 लिख दिया, साइड समझ आ गई होगा माइनस का 4 माइनस और माइनस का 2 इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज को चेक करना है। अब अगर आप लगा के देखें तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस और यहां पे क्या हो जाएगा 2, ये चीज आपको ध्यान रखनी है समझ आ गया, माइनस का 4 और प्लस का 2 और अपॉन नीचे क्या जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर अपन देखें तो ब्रैकेट अगर खोल दें तो माइनस का 4 प्लस का 2 अपॉन 5, एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, कल अपन ने पढ़ा था प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, मतलब कि सेम साइन जो होते हैं वो प्लस और पॉजिटिव साइन को शो करेंगे और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर होता है तो उसमें नेगेटिव साइन जो होगा वो ही आपको शो करना होगा, ये चीज आती है आपको। तो अगर अपन इसमें देखें तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से 2 को जो माइनस करोगे तो पीछे कितना आएगा 2 आएगा, और दोनों से बड़ा नंबर कौन सा 4 और 2 में से 4 बड़ा नंबर है, 4 का साइन क्या है माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन माइनस का और नीचे आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आउट क्या हो गया आपके पास में माइनस का 2 अपॉन 5, इस तरीके से आपको इसके अंदर ध्यान देना है। थर्ड नंबर जो है वो आपको दे रखा है माइनस का 5 अपॉन 4 माइनस माइनस का 3 अपॉन 8, ये नंबर दे रखे हैं आपको माइनस का 5 अपॉन 4 माइनस माइनस का 3 अपॉन 8, इसे आपको ध्यान देनी है। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो जैसे 4 और 8 नीचे डिनोमिनेटर में आपको एक साइड 4 दे रखा है दूसरे साइड में आपको 8 दे रखा है तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो अपन लिखेंगे यहां पे एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज 8, अगर 4 और 8 का एलसीएम देखें तो सबसे पहले अपना एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा आपके 8 ही आएगा, ये चीज ध्यान देनी है। फिर अगर हम देखें तो वापस 8 लिख दिया नीचे, अब अपन देखेंगे कि 4 टाइम में जो 8 है वो कितनी बार आता है 4 2 जा 8 होता है 2 टाइम होता है उसी 2 को लेकर उसी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई मतलब 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये 10 और साइन माइनस का लगा हुआ तो यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको बीच में माइनस का साइन करके माइनस का साइन,
8 टेबल में 8 कितनी बार आता है, वन टाइम, उसी वन को लेके उसी को पूरा वाले मत से मतलब क्या मतलब वर्क करते हैं, इसे करेंगे कितना आएगा माइनस का 3। ये चीज आपको याद रखनी है, समझ आगे पर। अब उसके बाद अगर आप देखें तो माइनस का 10 और यहां माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस का 3 और अपॉन 8, ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक साइड में प्लस की वैल्यू दे रखी है, एक साइड में माइनस की वैल्यू दे रखी है, प्लस का 3 और माइनस का 10 रखा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो 10 में से 3 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 7 और नीचे कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अब आती बात 7 के पास में साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो उस दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 10 है 3 है, तो 10 बड़ा नंबर है तो 10 का साइन क्या रखा आपको माइनस का रखा है, तो इस वजह से आपको क्या लगा देना माइनस 7 का माइनस का साइन आपको लगा देना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है और इस तरीके से माइनस का 7 अपॉन 8 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है, वापस समझेंगे एक बार किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहले नॉर्मल वाली सबट्रैक्शन दे रखी है, इसके अंदर 10 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 7 दे रखी है, तो 7 और 7 दोनों सेम है लाइक फ्रैक्शन के तौर पर है, तो इसको अपन क्या करेंगे 7 का 7 लिख देंगे और ऊपर 10 माइनस 4 का, तो ऊपर 10 माइनस 4 कर दिया और एक साइड में प्लस का था एक साइड में माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 10 में से 4 को जो माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, साइन किसका आएगा, तो 10 बड़ा नंबर है तो 10 का साइन कौन सा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी अपन क्या लगा दिया पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, तो इस तरीके से 6 अपॉन 7 क्या हो गया इसका आंसर। इसके बाद अगर अपन वापस देखें तो माइनस का 4 अपॉन 5 माइनस माइनस का 2 अपॉन 5 दे रखा है, तो सबसे पहले 5 और 5 सेम नंबर है तो 5 लिख दिए, ऊपर माइनस का 4 तो माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर माइनस का माइनस लगा दिया और माइनस का 2 का माइनस का 2 लगा दिया। अब अपन आगे देखें तो माइनस का 4 माइनस 4 आगे लगेंगे, यहाँ पे माइनस का जैसे अगर ये ब्रैकेट मिलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पास पास में आएंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस में हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और आगे 2 का 2 लिख दिया। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 2 ब्रैकेट खोल के लिख दिया। अब अगर आगे देखें तो एक साइड में प्लस की वैल्यू है एक साइड में माइनस की वैल्यू, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे अपन, तो 4 में से 2 को माइनस किया कितना आ गया 2 आ गया। अब आती बात साइन लगाने की, तो साइन कौन सा लगेगा, इसमें से जो बड़ा नंबर होगा वो उसका साइन लगेगा, तो 4 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, तो 4 का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके माइनस लग जाएगा, तो इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद अगर अपन देखें तो माइनस का 5 अपॉन 4 माइनस माइनस का 3 अपॉन 8 देखा है, तो माइनस का 5 अपॉन 4 और माइनस का 3 अपॉन 8 अगर देखा है तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा आपके 8 ही आएगा। 4 के टेबल में और 8 के टेबल में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों टेबल में आता था वो सबसे पहले नंबर आता है 8, तो ये चीज ध्यान देनी, इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। दोनों का 8 आ गया, अब 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है 2 टाइम आता है, और 2 जाए होता है तो 2 को अगर 5 से करके 2 5 जाए कितना होता है 10 होता है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है इसका, तो 2 5 जाए 10 और माइनस का माइनस लगा देते हैं, इसी तरीके से माइनस का साइन माइनस का साइन लगा दिया। 8 के टेबल में 8 1 टाइम आता है उसी वन को लेके अपन 3 से मल्टीप्लाई, तो वन को अगर 3 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा और माइनस का साइन के साथ में लगा दिया। अब अगर अपन देखें तो माइनस का 10 का माइनस 10 तो लिख दिया, लेकिन यहां पे माइनस और यहां पे माइनस करके तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 3 को जो माइनस करोगे कितना आएगा 7, दोनों से बड़ा नंबर कौन सा 10 है, तो 10 का साइन क्या रखा है माइनस रखा है, तो माइनस आपको लगाना है, तो माइनस 7 अपॉन 8 इस तरीके से आपके इसका आंसर हो गया। सबट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन 5 अपॉन 7 माइनस माइनस का 3 अपॉन 7 दे रखा है, अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है, इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि 5 अपॉन 7 यहां माइनस देखे यहां माइनस देखे तो माइनस माइनस कर देगा, यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां पे वापस लिख दिया जाएगा 3 अपॉन 7, ये चीज आपको ध्यान देनी है। फिर उसको आप अगर अपन देखें एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसके अंदर आपको सबसे पहले 5.7 नंबर को सेट करना है, तो 5.7 को सेट करने के लिए हम जीरो सेट कर दिया 5.7, इससे पहले का देखें तो 4.7, उससे पहले देखें तो 3.7, उससे पहले देखें 2.7, उससे पहले देखें तो 1.7, उससे पहले देखें तो 0.7 और उससे भी पहले देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रहेगा माइनस का 1.7 और उसके बाद में अगर इधर से देखें तो 6 upon 7, 7 upon 7, 8 upon 7, 9 upon 7, 10 upon 7 और 11 upon 7,
इस तरीके से आपको नंबर लाइन बना देंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो भी देखा फाइव पॉइंट सेवन देखा तो फाइव पॉइंट सेवन सेट किया, उससे पहले नंबर उससे बाद में नंबर आपको सेट कर देना। करना क्या है, डिनोमिनेटर को हेल्थ से सेम रखना सभी जगह। फाइव से पहले क्या था, फोर आता है, थ्री आता है, टू आता है, वन आता है, जीरो आता है, और उससे पहले क्या था, माइनस का वन आता है, और फाइव से के बाद में सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन आता है। तो इस तरीके से आपको नंबर को सेट करना है। फिर अगर हम देखें तो फाइव पॉइंट सेवन उसके बाद प्लस का साइन रखा और थ्री पॉइंट सेवन रखा है, मतलब ये कह रहे हैं प्लस के साइड में मतलब पॉजिटिव साइड की साइड में आपको जाना है, और कितना स्टेप चलना आपको थ्री स्टेप चलता है नीचे से, मतलब ये आपको पॉजिटिव साइड में चलना है और थ्री साइड थ्री स्टेप चलना है। तो फाइव पॉइंट सेवन इससे यहाँ पे देखा आपको अब इससे पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव साइड कौन सा इस साइड में है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो वन टू और थ्री स्टेप, मतलब कि यहाँ पे आपको सेट करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके एट अपॉइंट सेवन हो जाएगा। अब अगर इसको देखें तो आपको एट अपॉइंट सेवन आता नहीं आता, वो देखते हैं सेवन और सेवन कॉमन में क्या है, नीचे सेवन है, और ऊपर देखते फाइव प्लस थ्री कितना होता है एट होता है। तो इस तरीके से अगर अपना आंसर देखें अपने तो सेम आ रहा है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, जिसके अंदर आपको देखा है
माइनस का 3 अपॉन 9 माइनस और माइनस का 1 अपॉन 2, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और फोर्थ नंबर आपको क्वेश्चन है जो कि माइनस का 6 अपॉन 3 माइनस माइनस का 2 अपॉन 4, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का डाला है, जिसके अंदर कोई अलग नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। करना क्या है, पहले फर्स्ट नंबर में से दूसरे में सेकंड नंबर को तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों का जो आंसर आता है उसमें से थर्ड नंबर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो इसका जो आंसर आता है उसमें आपको थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करवा के इसका जो आंसर आएगा वो उसका फाइनल आंसर होगा। ये चीज आपको करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ये फोर वाला मैंने डिफरेंट डाला, बाकी आपको सारे कर रहे हैं। फोर वाले के अंदर आपको करना यही है, फर्स्ट नंबर वाले को सेकंड नंबर में से सेपरेट करवाना है, जो भी आंसर आता है उसमें से थर्ड वाले को सेपरेट करवाना है। सेम चीज है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं, कल एक नंबर की एक्स्ट्रा दिया है जो कि आपको करना है, ठीक है। ये जो आज का टॉपिक अपन ने जो किया है उससे रिलेटेड आपको कुछ नोट्स वगैरह दे रखे हैं, जिसमें से आप इसमें से देख सकते हो आप। इसके अलावा आपके कुछ ये नोट्स भी हैं जिसमें से आप देख सकते हो, जो भी है आपके जो भी आज आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको नोट्स दे रखे हैं इसमें।